वेलकम व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। आप सबकी बहुत डिमांड थी कि सेल्सियस को फॉरेनहाइट में कैसे चेंज किया जाता है। वीडियो में हम सेल्सियस को फॉरेनहाइट में बदलना सीखेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि सेल्सियस और फॉरेनहाइट ये किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर यानी तापमान मापने की इकाइयाँ यानी यूनिट्स होती हैं। आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि सेल्सियस और फॉरेनहाइट ये दोनों यूनिट्स हैं जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेज़र करते हैं। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सेल्सियस को फॉरेनहाइट में हम कैसे चेंज करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वंदे मातरम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए वीडियो। देखिए बच्चों, सेल्सियस को फॉरेनहाइट में बदलना बहुत आसान है। बस हमें एक तरीका याद कर लेना है और उसी तरीके को हम जो है अप्लाई करेंगे तो किसी भी सेल्सियस वाली वैल्यू को हम फॉरेनहाइट में बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो सेल्सियस को फॉरेनहाइट में चेंज करने के लिए हम एक सूत्र यानी एक रूल का यूज़ करते हैं और ये रूल ये कहता है सी अपॉन फाइव इक्वल्स टू एफ माइनस 32/9। यहाँ सी जो वैल्यू है ये सेल्सियस को बताती है और ये जो एफ वैल्यू है ये फॉरेनहाइट को बताती है। यानी इस सूत्र का प्रयोग करके हम सेल्सियस वाली वैल्यू को फॉरेनहाइट में बहुत आसानी से बदल सकते हैं। और जब ये तरीका हम सीख लेंगे तो फिर कोई भी सेल्सियस वाली न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास हो उसे हम फॉरेनहाइट में बहुत आसानी से बदल सकते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 डिग्री सेंटीग्रेड को फॉरेनहाइट में बदलो, यानी हमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू को फॉरेनहाइट में चेंज करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, हमारा आधा काम तो यहीं हो चुका है। अब हम बस वो तरीका सीख लेते हैं कि हम फॉरेनहाइट को कैसे चेंज करेंगे, सॉरी सेल्सियस को फॉरेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया हुआ है यानी सी की वैल्यू हमें दी हुई है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। सी की वैल्यू 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये हमारा क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है। और एफ़ की वैल्यू को हम एक्स मान लेते हैं। अब एक्स क्यों मानते हैं ये तो आप समझ रहे होंगे ना, क्योंकि अगर हम एफ़ की वैल्यू को एक्स नहीं मानेंगे तो हम आंसर कहाँ से निकालेंगे, ठीक है। इसलिए हमें f में आंसर निकालना है तो हम f की वैल्यू को x मान लेते हैं। और अब जो है हम इन दोनों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में रखते हैं और फिर आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इसका आंसर कैसे निकलेगा, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया है कि C की वैल्यू यहाँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड दी हुई है और इस फॉर्मूले में C की वैल्यू जो है यहाँ हमने लिख दी है और 5 की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, इसे हम ऐसे ही उतार देते हैं। इस फॉर्मूले में देखिए F की वैल्यू को हमने यहाँ x माना था तो हम यहाँ x लिख लेते हैं और आगे माइनस 32/9 यहाँ लिखा हुआ है और हमने माइनस 32/9 ऐसे लिख लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे पास ये एक इक्वेशन के रूप में जो वैल्यूज़ दी हुई थी हम इसे ऐसे लिख लेते हैं। अब हमें पता है कि इक्वल टू के साइन का ये लेफ्ट साइड है और इक्वल टू के साइन का ये राइट साइड है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि ये जो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड की फ्रैक्शनल वैल्यू है इसके डिनोमिनेटर का इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड वाले के न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई किया जाता है और इसी तरीके से इसका मल्टीप्लाई किया जाता है। आपको बहुत बेसिक में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ये समझ लीजिए कि इस वैल्यू का इस वैल्यू से पूरा मल्टीप्लाई होगा और इस वैल्यू का इस वैल्यू से पूरा मल्टीप्लाई होगा। तो 5 में जब हम x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है 5x, और 5 का जब माइनस 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है आ जाएगा 160। ऐसे ही 9 का जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैंने यहाँ पे देखिए लिख रखा है 9 × 100। अगले स्टेप में हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो 5x वाली वैल्यू यहीं रहेगी क्योंकि x की वैल्यू को हमें यहीं निकालना है। अब ये देखिए कि इक्वल टू के साइन के इधर जो है ये -160 है, तो जब ये जो है इक्वल टू के साइन के राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा तो इसका साइन के साथ ये चेंज हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लिख रखा है 900 + 160। अब अगले स्टेप में देखिए हम क्या करते हैं, इसको और इसको जोड़ लेते हैं और इसको यहाँ ऐसे लिख देते हैं। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, यही सबसे ज़रूरी पॉइंट है। आपको ये पता होगा कि जब यहाँ पे
एक्स की वैल्यू के पहले कोई न्यूमेरिकल वैल्यू रहती है तो ये मल्टीप्लाई के रूप में रहता है, और जब इसका साइड चेंज किया जाता है तो ये डिवाइड के रूप में चला जाता है, यानी ये 1060/5 हो जाएगा। और मैंने जो है यहाँ पे इसको और इसको सॉल्व किया है यानी डिवाइड किया है, इसका आंसर निकल के आ रहा है 212 फॉरेनहाइट। इस तरीके से हमने सेल्सियस वाली वैल्यू को फॉरेनहाइट में चेंज किया हुआ है। यहाँ हमने सी को 100 जो है हमारी वैल्यू दी हुई थी, एफ को हमने एक्स माना था, और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने एक्स की जो वैल्यू निकाली है वो है 212 फॉरेनहाइट, यानी हमारा जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है वो जो है उसकी फॉरेनहाइट में वैल्यू आएगी 212 फॉरेनहाइट, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा बताया गया ये तरीका अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे और भी बहुत से इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स आने वाले हैं इस चैनल में। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।